नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ऑल इन नोबी में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा नोकिया एट के बारे में, कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने नोकिया एट का फोन है, ये जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और अक्टूबर से जो ये बिकना चालू हुआ है नोकिया एट का फोन, इसी के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन फीचर बताऊंगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये इससे पहले दुबई में लॉन्च हो चुका था, तो ये बहुत ही कुछ खास फीचर्स के साथ आया हुआ। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे नोकिया एट, जिसके बारे में मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों अभी अभी नोकिया ने एक नया फोन लॉन्च किया है, इससे पहले ये दुबई और ये यूके वगैरह मतलब फॉरेन कंट्री में लॉन्च हो गया था। कहीं 45,000 रुपया में लॉन्च हुआ था यूके में, और दुबई में ये 35,000 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों बताना चाहूंगा, इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ था थोड़ा सस्ते में लॉन्च हुआ है, बाकी कंट्री के मामले कहीं कहीं ये महंगे में लॉन्च हो गया है। दोस्तों बताना चाहूंगा, नोकिया एट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, आप गौर से देखेंगे तो ये सामने का कैमरा सामने का फोकस कर रहा है, ये मतलब फ्रंट कैमरा का फोकस है और ये बैक कैमरा है। ये देखिए ये उड़ा रहा है, उड़ा रही है पन्नी तो इसके ऊपर जा रहा है, तो ये देखने से भी लग रहा है ये सेल्फी कैमरा और ये बैक कैमरा है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये जो है इसका रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों का फोटो सामने ले सकते हैं एक साथ, हाफ ऑफ स्क्रीन पे आप ले सकते हैं। दोस्तों और बताना चाहूंगा, ये जो फोन है इसमें आप लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ फीचर बता दिया गया है, ये देखिए यूज बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा साइमल्टेनियसली विद डुअल साइड मोड, और देखिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग फेसबुक लाइव यूट्यूब लाइव ये सब का लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और ये 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 360 डिग्री में, ये शो भी करता है। और देखिए दोस्तों इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें एंड्रॉइड नॉकआउट लगा हुआ है 7.1.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये फोन के जो लुक है आपको सामने का ये देख लीजिए थोड़ा, ये ऑडियो जैक है, यहाँ कैमरा दिखाई दे रहा होगा आपको सामने, ये नोकिया का फोन है, ये पीछे का लोग है, ये देख सकते हैं साइड में बटन कैसा है। ये दोस्तों बताना चाहूंगा, ये 4 कलर में आया है, उसके बारे में मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, और ये देख लीजिए दोस्तों फोन का पीछे का लुक, आगे का लुक, ये फोन कैसा दिख रहा है आपको स्क्रीन के सामने। ये जो फोन है देख लीजिएगा, यहाँ पे पीछे डुअल कैमरा है और सामने एक सिंगल कैमरा जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे एलईडी फ्लैश लाइट है। बताना चाहूंगा कि इसमें आप इस फोन में आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इसको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी बना सकते हैं। और देख लीजिए दोस्तों डुअल साइड मोड, जिसके बारे में आपको चर्चा कर रहा था, ये सेल्फी ये बैक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पीछे का लुक दिखाता हूँ इस फोन का, ये देख लीजिए बड़े बड़े साइज में देखिए, 2 कैमरा है और एक ये लेंस है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फोन है ये फोन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वन प्लस 5 को टक्कर दे रहा है, जो कि वन प्लस 5 थोड़ा ज्यादा रैम में लॉन्च करता है, 6 GB 8 GB रैम में लॉन्च करता है, और 64 GB और 128 GB स्टोरेज में जो लॉन्च किया उसको टक्कर दे सकता है ये फोन। ये दोस्तों इसका हर चीज खुद का बनाया हुआ है, और नोकिया का कैमरा वगैरह भी अच्छा ही होता है। बताना चाहूंगा कि इसमें स्नैपड्रैगन, इस फोन में स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर लगा हुआ है। देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, ये देख लीजिए कैमरा लेंस के बारे में बता रहा है। और भी फीचर्स वगैरह आप इसको पढ़ सकते हैं। आप बताना चाहूंगा, ये देख लीजिए सामने और पीछे का लुक। अब इसका कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ मैं आपको, ये जो फोन है देख सकते हैं अच्छा बैटरी लाइफ के साथ है, इसका 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है, और इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं 256 GB तक, माइक्रो एसडी एक्सपेंडेबल। और दोस्तों मैं आपके बताना चाहूंगा इस फोन के बारे में कि फोन दोस्तों ये फोन देख लीजिए दूसरे कलर में भी है, 4 कलर में आया हुआ, मैं आपको पहले भी बताया था। आप देख लीजिए इसका फुल स्पेसिफिकेशन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप फोन खरीदेंगे तो आपको बॉक्स में, इसके बॉक्स में मिलेगा फोन मिलेगा, चार्जर मिलेगा, डाटा केबल मिलेगा, हेडसेट मतलब कि ईयरफोन मिलेगा आपको, कुछ क्यूब गाइड का एक बुक मिल जाएगा, और सिम डोर की मतलब कि वही जिसमें सिम लगता है, सिम एजेक्टर ट्रे मिलेगा आपको। फोन का डायमेंशन देख सकते हैं आपके सामने, लंबाई चौड़ाई और विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद देख लीजिए कलर, मैं आपको बताया था 4 कलर में आया, पॉलिश ब्लू, टेम्पर्ड ब्लू और पॉलिश कॉपर, यहाँ पे फिलहाल 3 कलर बताया गया है। बताना चाहूंगा कि ये दोनों, ये जो फोन है ये आपको 4G सपोर्ट करेगा, 4G के साथ
आप इसमें जियो सिम आराम से यूज कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंड्रॉइड का इसमें 7.1.1 नॉगट लगा हुआ है, 4 GB रैम मैं आपको बताया, DDR4X का रैम है, सीपीयू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, प्रोसेसर लगा हुआ है ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। स्टोरेज के बारे में मैं भी आपको बता ही चुका हूँ कि 64 GB स्टोरेज, और आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, एक्सपेंडेबल है 256 GB तक। और ऑडियो ऑडियो कनेक्टर का मतलब कि आप इसमें ईयरफोन लगा सकते हैं, 3.5 mm का हेडफोन लगा सकते हैं आप इसमें। और स्क्रीन की साइज की बात करें तो ये फोन जो है आपका 5.3 क्वाड एचडी डिस्प्ले है इसका, रेजोल्यूशन आपका 2560x1440 आपका रिजोल्यूशन हो गया। उसके बाद इसमें गोरिल्ला ग्लास से कवर्ड भी होगा, गोरिल्ला ग्लास 5 से स्क्रीन कवर्ड भी होगा, आपको बताना चाहूंगा ये फोन आपको जब भी फोन मिलेगा। उसके बाद बताना चाहूंगा कि इसका डिस्प्ले के बारे में आपको चर्चा कर ही चुका हूँ। प्राइमरी कैमरा दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसका जो है, इसका तीनों कैमरा 13 13 और 13 मेगापिक्सल कैमरा का है, और पीछे का दो दो कैमरा है और सामने आपको एक कैमरा मिलेगा इसमें। और बताना चाहूंगा कि इसका फोकस 2.0 एपर्चर के साथ है, तीनों 2.0 2.0 देख सकते हैं आपका 13 का। और बताना चाहूंगा कि इसका जो सामने का जो कैमरा है और पीछे और सामने का तो एक कैमरा है ही, आपको बताना चाहूंगा डिस्प्ले फ्लैश के साथ, लेकिन जो पीछे का कैमरा है, एक जो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेगा और दूसरा जो है कलर फोटो लेगा आपका, मतलब कि फोटो ब्लर करने में भी काम आएगा आपका। तो बहुत ही अच्छा फोन है, देख सकते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट लेगा, एक कलर फोटो लेगा। और बात कर लेते हैं इसका वही कनेक्टिविटी वगैरह का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और सेंसर की बात करें तो एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ई कंपास, ग्रिप्सोस्कोप, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इस फोन में, आपको बताना चाहूंगा। और सिम स्लॉट आपको बता ही चुका हूँ कि एक नैनो सिम स्लॉट प्लस एक सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, मतलब कि आप एक सिम लगा सकते हैं एक ट्रे में, और दूसरे ट्रे में एक सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल को दबा दें जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ ये फोन। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगा हो जरूर एक लाइक भी दे ही दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।